आज के वीडियो लेक्चर में शुड, शुड बी एंड शुड हैव को लेकर अपना कन्फ्यूजन पूर्णतः दूर करें। आज का वीडियो लेक्चर है शुड, शुड बी एंड शुड हैव का विदाउट एनी मिस्टेक किस प्रकार से ठीक यूज करें। बच्चे बहुत सारे इसमें गलती कर देते हैं, टेंथ ट्वेल्थ के स्टूडेंट से भी कई बार इसमें मिस्टेक हो जाती हैं, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिए, आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाएगा, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और फिर मेरे को कमेंट करके आप बताना कि अभी भी क्या आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि शुड का जो मीनिंग होता है, होता चाहिए, इसका यूज प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। दूसरा है शुड बी, शुड बी होना चाहिए। एक तो होता है शुड का मीनिंग चाहिए, शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए, और शुड हैव का मतलब होता है होना चाहिए था। तो तीनों का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। होना चाहिए था, शुड हैव, तो इसको शुड हैव का जो हम यूज करेंगे वो पास्ट टेंस में करेंगे। और मॉडल ऑक्सिलरी जो होती हैं, शुड का जो जनरली ये करना चाहिए आपको, वो करना चाहिए, सजेशन देने के लिए इसका मेन यूज किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मस्ट का भी यूज किया जाता है, मस्ट का मतलब होता है ज़रूर चाहिए, जहाँ पे आपको ये लगे भाई ये काम तो ज़रूर ही करना चाहिए तो मस्ट का यूज़ करें, और आपको लगता है ये काम करना चाहिए तो वहाँ पे शुड का यूज करें। आओ अब शुरू करते हैं। तीनों का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, फिर से बता रहा हूँ। शुड मीन्स चाहिए, शुड बी मीन्स होना चाहिए या होनी चाहिए, और शुड हैव का मतलब होता है होना चाहिए था या होनी चाहिए थी, ये चीज़ तो होनी ही चाहिए थी ऐसे। तो आओ शुरू करते हैं। आपका एक कर्सर पे ध्यान दे, थोड़ा नीचे, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट, आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, आपको वहाँ पे जाना चाहिए। पॉइंट नंबर टू, उसको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, तो ही शुड टेक एक्सरसाइज एवरी डे। पॉइंट नंबर थ्री, मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, आई शुड वर्क हार्ड। अब आगे देखें आप, पॉइंट नंबर फोर जो आ गया है, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, तो वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। फिर पॉइंट नंबर पाँच पे आइए, हमें वहाँ समय पर पहुँचना चाहिए, तो वी शुड रीच देयर ऑन टाइम, हमें वहाँ पर समय पर पहुँचना चाहिए। तो ये थे मिस शुड का यूज करते हुए। नेक्स्ट अभी मैं आपको बता रहा हूँ शुड बी का यूज़ कैसे करेंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं, ऊपर देखिए, अब हम कर रहे हैं शुड बी का यूज़। शुड बी का यूज़ कहाँ पे करें, ही शुड बी इन दिस रूम, उसे इस कमरे में होना चाहिए, उसे इस कमरे में होना चाहिए। तो कोई काम होना चाहिए या होनी चाहिए, आपके दिमाग में हिंदी में ऐसे पॉइंट रहते हैं, उसके लिए हम शुड बी का यूज़ करेंगे, शुड के साथ में बी का यूज़ करेंगे, जब आपके दिमाग में होना लग जाए, मीन्स होना चाहिए। एक तो होता है शुड मीन्स चाहिए, और शुड बी इसका मतलब होना चाहिए। योर इंग्लिश शुड बी गुड, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको तो काफ़ी दिन हो गए सीखते हुए, तो तुम्हारी अंग्रेजी तो अच्छी होनी चाहिए, तो शुड बी। दे शुड हैव बीन, ये हैव बीन का पॉइंट अभी यहाँ पे ना करें, ये अभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया था बुक से, तो इसको अभी ना करें, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें इसका यूज़ सिखाएंगे। परफेक्ट जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जो होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अब आगे देखें, शुड बी का यूज़ हमें करना है, आई शुड बी विद हीम नाउ, मुझे अब उसके साथ होना चाहिए। रवि शुड नॉट बी देयर अलोन, रवि को वहाँ अकेले नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए नोट लगाना, तो शुड और बी के बीच में नोट लगेगा, ऐसे ही शुड हैव वाले आएंगे तो शुड और हैव के बीच में नोट लगेगा, तो
तो नोट का ध्यान रखें, शुड के तुरंत बाद में नोट रहेगा नेगेटिव बनाएंगे तो रवि शुड नॉट बी देयर अलोन, रवि को वहाँ अकेले नहीं होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। आगे है इसमें ही शुड नॉट बी सैड, उसे दुखी नहीं होना चाहिए। किरण शुड नॉट बी गुड एट दिस सब्जेक्ट, किरण को इस विषय में अच्छा नहीं होना चाहिए। मीन्स उसका हमेशा इस सब्जेक्ट से थोड़ा दिल कटता है, तो इस सब्जेक्ट में उसको अच्छा नहीं होना चाहिए। तो उसने आपके दिमाग में ऐसा कोई भाव आया वो उसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नेगेटिव आया तो नोट लगाएंगे यहाँ पे। तो यू शुड बी फ्री, तुम्हें खाली होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, आपको कभी कभी खाली भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए। तो होना चाहिए, होना चाहिए, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, शुड बी। तो अब आपका ये हो गया है पॉइंट शुड बी वाला। शुड वाला मैंने अब थोड़ी देर पहले करा। शुड हैव का मीनिंग मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब हम करेंगे शुड हैव का यूज। शुड हैव का यूज मैं पहले भी आपको मीनिंग बता चुका हूँ, करना चाहिए था या करनी चाहिए थी, ये पास्ट टेंस में यूज होता है इसका। मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, आई शुड हैव टॉक्ड टू हिम, हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए था, वी शुड हैव गोन देयर। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई टॉक्ड गोन, क्योंकि ये पास्ट टेंस में यूज़ हो रहा है और हैव के बाद में यूज़ हो रहा है। मॉडल्स का तो यूज़ हम कर रहे हैं शुड का, लेकिन शुड के बाद हैव का देखिए यूज़, हैव के बाद में हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है, हैज़ हैव और हैड, इनके बाद में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई हुई है। आगे देखिए, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, यू शुड हैव वर्कड हार्ड, आपको चाय पीनी चाहिए थी, यू शुड हैव ड्रंक टी, आप लोगों को तेज़ दौड़ना चाहिए था, यू शुड हैव रन फास्ट। तो इस प्रकार से ये सभी करने, तीनों का मैंने मीनिंग के साथ और कुछ एग्जाम्पल देते हुए आपको समझा दिया है, और मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। एक होता है शुड हैव बीन, वो होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें यूज़, उसका दूसरी कभी हम वीडियो डालेंगे उसमें हम वो सब डिक्लेयर कर देंगे, आपको समझा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। जो नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं उनको शेयर कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो, और उसको लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।